हेलो हाय गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि सीएससी के जरिए से आप बीमा कैसे करेंगे। आज हम आपको टू व्हीलर बीमा थर्ड पार्टी करके दिखाएंगे कि आप कैसे करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम एक ब्राउजर ओपन कर लेते हैं, कोई भी ब्राउजर ओपन कर लिया हमने। इस ब्राउजर को ओपन करने के बाद फिर हम अपना डिजिटल सेवा यानी सीएससी की वेबसाइट ओपन करेंगे, digitalseva.csc.gov.in। इसको हमने एंटर किया तो ये हमारे हमारे पास इस तरीके से इसका फ्रंट ओपन होकर आएगा। अब हम लॉगिन करते हैं, अभी हमारी लॉगिन ऑलरेडी है, हम इसको लॉग आउट कर देते हैं। लॉगिन करके हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये हमारा पासवर्ड और ऑलरेडी सेव है इसलिए ये लॉगिन दिखा रहा है। तो आपका अगर लॉगिन आ रहा है तो आप उस पर ऊपर सीएससी आईडी डालें या फिर आप अपना डिजीमेल का ईमेल डाल सकते हैं और पासवर्ड डालेंगे, ओके करेंगे, ओपन। ये हमारा ऑलरेडी है तो इसलिए डायरेक्ट हमारा ओपन ही होगा। लॉगिन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद सबसे पहले तो हम ये चीज देख लें कि हमारे पास वॉलेट में बैलेंस है कि नहीं है। हमारा मान लो बीमा 1000 का है तो हमारे पास 1000 रुपए से कुछ ज्यादा रुपए वॉलेट में होना चाहिए, अदरवाइज हम बीमा आखिर में करते करते आखिर में जब हमारे पास बीमे का जो नंबर जनरेट होगा उसके बाद अगर हम ओके करेंगे देन हमारा फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बैलेंस नहीं होगा, हमें दोबारा से वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी। इसलिए हम अपने वॉलेट में बैलेंस को चेक कर लें, जितने का बीमा है उससे कुछ ज्यादा रुपए ही आपके वॉलेट में होना चाहिए। चलिए यहाँ पे ये टैब देख रहे हैं, चल रहे हैं, यहाँ पे हम चाहे तो यहाँ पे इंश्योरेंस लिखा होगा, नहीं लिखा है तो इसको हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो हम सर्च भी कर सकते हैं इंश्योरेंस, ठीक है, और एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे इंश्योरेंस आ जाएगा। अभी हम HDFC का करके दिखाएंगे और HDFC मोटर थर्ड पार्टी पे ओपन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास आते हैं, एक है CSC कनेक्ट, दूसरा है क्लिक हियर टू गेट इन टच विद अवर टीम। यानी आपको अगर कोई दिक्कत है तो HDFC एर्गो की जो टीम है उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको करना है बीमा इंश्योरेंस करना है तो CSC कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये हमारा CSC कनेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस है, यहाँ से कर सकते हैं और थर्ड पार्टी यहाँ से कर सकते हैं। अभी हमें टू व्हीलर थर्ड पार्टी पॉलिसी करना है तो बाय पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बाई पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे हम गाड़ी का नंबर डालेंगे। व्यू कोड्स पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास गाड़ी का कंपनी पूछ रहा है कि गाड़ी कौन सी कंपनी की, तो हम पेपर में देख लेंगे कि जो गाड़ी का हम बीमा करने जा रहे हैं उस गाड़ी की कंपनी क्या है। होंडा, फिर उसके बाद मॉडल चूज करेंगे, फिर हम वेरिएंट सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा वेरिएंट सिलेक्ट हो रहा है। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन ईयर उसका चूज करेंगे कि हमारी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ईयर क्या है, 2016। देन हम RTO सिलेक्ट करेंगे, यानी जिस सिटी से हमारा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है हम वो सिलेक्ट करेंगे।
अब हमारे पास थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवरेज आ गया है। अब हम इसको चूज करेंगे यहाँ पे हमारे पास वन ईयर और ये टू ईयर ये थ्री ईयर दिखा रहा है। हमें एक साल का करना है तो एक साल को चूज करेंगे, टू ईयर करना है तो टू ईयर चूज करेंगे, थ्री ईयर करना है तो थ्री ईयर चूज करेंगे। हम वन ईयर चूज करते हैं क्योंकि हमें वन ईयर का करना है। यहाँ से ये हमारा प्रीमियम विदाउट टैक्सेस दिखा रहा है और यहाँ पे हम थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज यानी TPPD जो है उसको अगर हम यस कर देंगे तो हमारे पास कुछ अमाउंट कम हो जाएगा। अगर हम नो कर देंगे तो ये हमारा पूरा अमाउंट रहेगा। तो थर्ड पार्टी कर रहे हैं तो इसको हम चाहें तो क्लोज ही कर दें यानी यस कर दें तो बेहतर है। बाकी चीजें थर्ड पार्टी में कुछ चूज करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास इस 702 प्लस हमारा जो टैक्सेस वगैरह है उसको हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं कि टोटल फाइनली हमारे पास कितने रुपए का ये इंश्योरेंस पड़ेगा। अब हम बाई नाउ पे क्लिक कर देंगे, देन यहाँ पे हम नाम डालेंगे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पे और फोन नंबर नहीं, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद फिर हम मोबाइल नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यानी डालेंगे इनपुट करेंगे 9311। उसके बाद अगर हम चाहें तो कोई ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं यहाँ पे है। देन हम एड्रेस डालेंगे पिन कोड यहाँ पे डालेंगे। कॉन्टेक्ट डिटेल्स पूरी फिल करने के बाद नाम डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस और एड्रेस पूरा फुल फिल करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास व्हीकल डिटेल्स यहाँ पे हमें दोबारा से रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डालना पड़ेगा। इंजन नंबर हम इनपुट कर देते हैं। देन हम चेचिस नंबर यहाँ पे इनपुट करेंगे। एक बार हम चेक कर लेंगे इंजन नंबर और चेचिस नंबर गलत नहीं होना चाहिए। देन हम रजिस्ट्रेशन डेट डालेंगे। मैन्युफैक्चर ईयर ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। नॉमिनी डिटेल डाल सकते हैं यहां पे हैं नॉमिनी जिसके नाम से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है, उसके अलावा कोई घर का भी कोई भी घर का सदस्य है वहां पे डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो।
अदरवाइज हम नेक्स्ट कर देंगे और ये हमारे पास पूरी डिटेल आ गई। ऑन डिटेल्स में यहाँ पे हम चाहें तो चेक कर सकते हैं एक बार। व्हीकल डिटेल्स में हमारी ये आ जाएगा यहाँ पे, प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स यहाँ पे अगर कोई है प्रीवियस वो चेक कर सकते हैं, नॉमिनल डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं, न्यू पॉलिसी डिटेल जो हमारी है वो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, यानी वो पॉलिसी डिटेल कौन सी है, थर्ड पार्टी है, उसकी डेट क्या है, कब तक वैलिड रहेगी वो और उसका अमाउंट कितना है। टर्म्स कंडीशंस को हम एक्सेप्ट करेंगे देन हम मेक पेमेंट करेंगे। ये हमारे पास ट्रांजेक्शन नंबर आ गया। अगर हमारे पास वॉलेट में बैलेंस है इतना कि हमारी पॉलिसी जितने की है उससे थोड़ा सा ज्यादा ही बैलेंस होना चाहिए तो हम ओके करेंगे तो हमारा पेमेंट पासवर्ड पे ले जाएगा, पासवर्ड हम इनपुट करेंगे डालेंगे तो हो जाएगा, अदरवाइज यही पे ओके करेंगे तो हमारा पॉलिसी जो हम कर रहे हैं वो फेल हो जाएगी और दोबारा से हमें पूरी करनी पड़ेगी, इसलिए वॉलेट में बैलेंस अवेलेबल रखें। अभी हम ओके करते हैं। और यहाँ पे हम अपना जो CSC आईडी लॉगिन यानी डिजिटल सेवा जो लॉगिन पासवर्ड है वो हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। सही सही पासवर्ड इनपुट करेंगे। और उसके बाद वॉलेट पिन मांग रहा, अब हम वॉलेट पिन यहाँ पे इनपुट करेंगे और पे रुपीज दिख रहा है कितना हमको पे करना है और हम पे पे क्लिक करते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल यानी कि हमारी पॉलिसी हो गई। प्लीज वेट व्हाइल वी रिडायरेक्ट यू टू मर्चेंट साइट। और ये पेमेंट प्रोसेस दिखा रहा है और किस तरीके से ये हमारा पॉलिसी हो गई। थैंक यू, पॉलिसी नंबर ये है, डाउनलोड पॉलिसी यहाँ से कर सकते हैं, जो हमने मेल डाला है उस पर भी पॉलिसी हमारी जा चुकी है, वहां से भी हम कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ओके, शुक्रिया।